जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो हैं सीजनल फुलवारी खरीदने के लिए आए हुए हैं और विनायक नर्सरी है ये सिरसी रोड के ऊपर ही पांचावाड़ा के पास में। तो अभी क्या है, रंग बिरंगा मौसम आ गया एकदम और सभी तरीके की जो है फुलवारी अपन लगाएं, क्योंकि एडेनियम में अब जो है धीरे धीरे इस तरीके का हो जाएगा कि उसमें जो है रौनक थोड़ी कम हो जाएगी और हम जो हैं सीजनल फुलवारी लगाएंगे तो अपने गार्डन में जो है रौनक बनी रहेगी। तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, तो बहुत सारों के तो मुझे नाम नहीं पता, कुछ पौधों के तो नाम पता है। तो अपन अंदर चलते हैं और मिलते हैं पांडे जी से। हाँ जी पांडे जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बस बढ़िया सर। तो कुछ सीजनल फुलवारी लेने का प्लान था हम लोगों का जी। तो क्या क्या अपने पास वेराइटीज़ हैं थोड़ा सा आप ये बताइए पहले, कौन कौन से अपने पास हैं सीजनल में, और फिर हम इसकी केयर के बारे में बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग सीजनल लगा लेते हैं और उनको इनकी केयरिंग टिप्स नहीं पता होती हैं। अभी देखिए क्या है, जैसे विंटर शुरू हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो अब सीजनल फुलवारी लगाने का सही समय है। अच्छा। कुछ लोग सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और जो लोग प्लांट परचेज करके या इसके सैपलिंग जो आते हैं छोटे छोटे जी, उनको भी लगा करके, जिससे बड़े स्केल पे लगाना हो तो सैपलिंग से भी लगा सकते हैं। तो कौन कौन से अपन ने अभी ला रखे हैं इस टाइम पे? वैरायटी की बात करें तो देखिए पिटूनिया है। अच्छा, ये पिटूनिया है, ये पॉलीथीन में है, पॉली बैग में आएगा, ये 4 इंची में है। ये कोई स्पेसिफिक पिटूनिया है? नहीं, ये एक्चुअली हाइब्रिड के अंदर। अच्छा। देसी वाले के लंबे हो जाते हैं, फ्लावर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। इस तरह का रहता है। अच्छा। और जाफरी क्या, ये जो गेंदे का फूल है, ये गेंदे का जो छोटा फ्लावर है। अच्छा, हम जाफरी के नाम से जो है। अच्छा अच्छा, इसमें दो कलर हैं अपने पास, एक तो डार्क और येलो। येलो है ना? बहुत बढ़िया सर। और इसके बाद से फिर हम आते हैं सर, तो पिटूनिया अपन ने देखे पॉलीथीन वाली, ये कौन से है? ये इंपेशन है। अच्छा। जहाँ पे फूल धूप नहीं आता, जैसे हम फ्लावर के लिए ना पूरा धूप की जगह चाहिए होती है। अच्छा। पर इंपेशन एक ऐसा प्लांट है जहाँ छाया हो, शेड वाली जगह हो, वहाँ भी हम लगाए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और मार्च तक फ्लावरिंग होती रहती। अच्छा। है इसकी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये पेंजी नहीं, ये पेंजी है और पेंजी में भी मिनिएचर वेराइटी है। पेंजी के फ्लावर बड़े आते हैं, मिनिएचर के छोटे आते हैं उसकी ड्वार्फ वेराइटी में। फिर ये डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर में भी नंबर ऑफ कलर्स काफ़ी आ जाते हैं। गुलदाउदी है, गजेनिया है, गजेनिया भी बहुत सुंदर जो है ना, सूरजमुखी जैसा दिखता हुआ फ्लावर होता है। अच्छा। छोटे में बहुत लंबा चलने वाला है। ये पीछे की तरफ है, ये कौन सा है सर, ये जो पिंक फ्लावर है इधर पीछे? ये पीछे पिंक फ्लावर में बिगोनिया बोलते हैं इसको। अच्छा। बिगोनिया चलता लंबा है। अच्छा। मतलब जुलाई तक आप ले सकते हैं, जुलाई में जाकर के तो पूरे समर और विंटर का कवर कर जाता है ये। और ये जो आप बता रहे थे ये सनफ्लावर जैसा? हाँ, मैंने सनफ्लावर जैसा जो बताया उसको, ये है अपने गजेनिया। अच्छा। गजेनिया में भी नंबर ऑफ कलर्स बहुत आ जाते हैं। अच्छा। इसके बाद से आप देखेंगे डायंथस, डायंथस भी जो है बहुत सुंदर और नंबर डार्क कलर के फ्लावर्स हैं। अच्छा, तो डायंथस तो बहुत में अच्छा, काफ़ी सारे कलर्स हो गए जी। डायंथस में बहुत सारे कलर हैं और एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत लंबे टाइम तक गार्डन को हमारे हरा भरा रखने में से ज़्यादा लंबे समय तक चलती है जी जी। एक ये बहुत सुंदर देखा मैंने इधर, पिंक कलर का सा फ्लावर है, गजेनिया में ही है ये। हाँ बिल्कुल, ये देखेंगे आप, ये गजेनिया के ही फ्लावर है। अच्छा। तो इस तरह से बहुत सुंदर बहुत सारे कलर्स अपने को देखने में मिलेंगे। अच्छा अच्छा। एक ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये वेलवेट जैसा पौधा है सर, ये क्या चीज है? वेलवेट इसको हम सिलोशिया बोलते हैं सर। अच्छा। सिलोशिया में जो है ना एक किलंगी लंबी वाली आती है और एक ये चौड़ी जो है ना इस तरह के। तो दोस्तों इस तरीके के आपको सीजनल लेने हो तो आप नाम सुन ही पा रहे हैं, पौधे देख ही पा रहे हैं, आपको भी नाम याद करने में ईजी रहेगा और सर से आप जो है ये सीजनल फुलवारी के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं। अच्छे हैं ये, 4 इंची 3 इंची पॉलीथीन में जो है लगे हुए प्लांट, हेल्दी प्लांट आपको फ्लावरिंग कंडीशन में मिल जाएंगे। और अभी हम सर जैसे समझ लीजिए कि कोई यूँ बोले कि ये हमको थोड़े महंगे लगते हैं जी जी पॉलीथीन में, इसलिए थोड़ी रेट ज़्यादा हाई है, तो अपने पास और कोई चॉइस? हाँ, इसके लिए मिल जाए बताएं आपको, सीडलिंग में जो है ना। अच्छा। मिल जाएंगे जो ट्री के अंदर आते हैं और हाइब्रिड सारे फ्लावर्स होंगे जिनकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है, 10 रुपये पर प्लांट जो है ना होते हैं, और हम लूज में अगर लेना चाहें तो 5 रुपये पर प्लांट मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। अपन जो है देख लेते हैं कौन कौन से अपने पास छोटे साइज के हैं जी। दोस्तों आप भी जो है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं सीजनल फुलवारी पे, तो आप जो है छोटे सीडलिंग ले सकते हैं, ट्रे में मिलेंगे आपको। हम लोग देख लेते हैं वहाँ कौन कौन से हैं, उनका क्या साइज है। आइए, छोटी पौध की अपन बात कर रहे हैं, इसमें भी फ्लावरिंग तो स्टार्ट हो गई है जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ एक के अंदर। हाँ, एक तो ये कौन कौन से हैं पहले आप ये बता दीजिए। जैसे आप देखेंगे ये पिटूनिया है। अच्छा। इसके बाद से ये डॉग फ्लावर। अच्छा। नेक्स्ट आप ये विनका है, आगे वाला पेंजी का छोटा पौधा है, पेंजी के बाद डॉग फ्लावर। अच्छा।
ये पिटूनिया की जो है स्टार वेराइटी है। अच्छा अच्छा, आगे देखेंगे पेंटास, बिगोनिया, अच्छा, और ये साल्विया। अच्छा, रेड फ्लावर। हाँ, रेड फ्लावर के अंदर जो है ना साल्विया है। टाइप ये कुछ पौधा नहीं, परमानेंट, सब सीजनल है ये। अच्छा, पर हाँ, होता मजबूत है, मजबूत पौधा है और हार्डी नेचर का है। अच्छा, और अच्छा चलने वाला प्लांट है। ये सिलोसिया है। अच्छा, जो हमने बाहर अभी देखा जो है वेलवेट कलर में, हाँ, ये येलो कलर के और रेड कलर के मिक्स में रखे हुए हैं। ये सारे प्लांट्स मिक्स में आपको मिलेंगे जो है। ये डहेलिया का है, बहुत हेल्दी और अच्छा प्लांट है। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, इसके हाइट जाता है 3 फीट के आसपास और डबल फ्लावर है। काफी बड़े साइज का जो है ना, 9 इंच तक के फूल आते हैं इसमें। सब्जियों के भी आपके पास? हाँ, सब्जियों में भी आपको टमाटर, बैगन, मिर्च, ब्रोकली, अच्छा, लेट्यूस, सेलरी, तो सीजन के अकॉर्डिंग सारे सब्जी के फ्लावर हर समय, मतलब सब्जी और फूलों के पौधे हर समय अवेलेबल रहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है शायद ये? जी, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। अच्छा, छोटे सीलिंग में स्ट्रॉबेरी बहुत सुंदर है, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कुंडी टाइप के गमले में लगाए, अच्छा चलेगा जो है। अच्छा, तो काफी जो है कलरफुल हो रखा है अपनी नर्सरी, तो बहुत सुंदर जो है सर ने अभी डेकोरेट किया हुआ है, आप लोग जैसे देख ही रहे। तो हम लोग दिखाते हैं और भी, जैसे ये वाले तो हमने छोटी पौध और सीजनल फुलवारी की बात करी, तो काफी कलरफुल अरेंजमेंट है। सर, ये लाल पत्तियों वाला कौन सा प्लांट है ये? इसको पनसेठिया बोलते हैं। अच्छा, ये विंटर के अंदर जो है पूरा कलर रहता है रेड में, इसमें 3-4 कलर आते हैं। अच्छा, और जैसे ही समर का टाइम चालू होगा धीरे धीरे पत्ते चेंज हो जाएंगे और ग्रीन रहेंगे। तो समर में ग्रीन रहता है और विंटर में ये रेड अपने कलर के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे तो इसमें ऑरेंज, रेड और पिंक, ऐसे 3-4 कलर की ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये बाहर पेंटास है शायद? जी, ये पेंटास में भी 4-5 कलर आते हैं। इसकी जो है अपन ने छोटी पॉट अभी देखी है, तो इस तरीके से जो है पेंटास में फ्लावरिंग होती है। ये गुच्छे में काफी सारे फूल देता है। और अभी कुछ बड़े प्लांट भी है, वो भी हम देख लेते हैं। सर्दियों की जो फुलवारी है, जेनेनियम का पौधा है ये। अच्छा, ये पॉट में जो है तैयार किया हुआ है। अच्छा, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, काफी लंबे टाइम तक चलने वाला प्लांट है ये। बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जेनेनियम है। इसके अलावा और बताइए, तो ये सारे ये वाले जो है ये इंडोर में है? हाँ, ये सारा इंडोर का जो है बेस है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या क्या है अपने पास, जैसे थोड़ा सा आप थोड़ी सी बताएं। इंडोर की बात करें हम, एग्लोनिमा में 5-7 वेरायटी आती है। अच्छा, जो अलग अलग वेरायटी के हिसाब से, नाम के हिसाब से कलर चेंज है इसके। फिर हम चमाडोरा की बात करेंगे, चमाडोरा भी इंडोर के लिए बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है। अरेका पाम जैसा दिखता है और ये टेबल प्लांट है।